लॉकडाउन के दौरान स्मॉल टेलीविजन की एक ऐसी बड़ी जोड़ी जिसको हमेशा ही आपने प्यार में देखा था, उनके बीच कुछ इस तरह लड़ने की खबरें सामने आई कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री जो है वो दंग रह गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन करण और निशा की। निशा रावल और करण मेहरा की डोमेस्टिक वायलेंस की स्टोरी हर तरफ वायरल हो गई थी, और ऐसे में अब जब निशा रावल सामने आई है लॉकअप में बहुत जल्द एज अ कंटेस्टेंट नजर आने वाली है, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या करण भी शामिल होंगे। पहले इसी बारे में कई सारे सोर्सेज की तरफ से कई खबरें आ रही हैं, तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं। बिग बॉस में हम ऑलरेडी करण मेहरा को देख चुके हैं, जहां उनके शांत स्वभाव को काफी लोगों ने पसंद किया, लेकिन जब निशा रावल की तरफ से ये खबरें सामने आई उस दौरान हर कोई हक्का बक्का था, हर कोई शॉक था कि क्या एक्चुअली में करण इतने शांत है या नहीं। अब सोर्सेज के मुताबिक ये खबर आ रही है कि लॉकअप जो कि कंगना रनौत होस्ट करने वाली है, इस शो पर बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं करण भी। जी हाँ, निशा तो रिवील हो चुकी है एज अ कंटेस्टेंट, लेकिन इस बारे में बात करते हुए क्लोज सोर्स कहते हैं करण के आने से बहुत झगड़े होंगे, एटलीस्ट कुछ गर्मा गर्मी तो जरूर होगी। एवरीबडी कंटेस्टिंग फॉर द ट्रॉफी इज गोइंग टू हैव अ स्टोरी एंड द करण निशा स्टोरी इज फ्रेश एंड एवरीवन्स माइंड। तो कहीं ना कहीं मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बात को ध्यान में रखने की। आगे वो कहते हैं वेदर ही साइंड ऑन द डॉटेड लाइन और नॉट वी शैल सुन लो, यानी कि बहुत जल्द करण शो पर आएंगे या नहीं इस बारे में पता चल जाएगा, लेकिन फैंस के अंदर एक्साइटमेंट बनी रहेगी अगर वाकई में खबरें ये सच हो जाती हैं कि वाकई में करण मेहरा नजर आ सकते हैं शो पर, और कहीं ना कहीं फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी स्पाइस्ड अप स्टोरी हो जाएगी, क्योंकि जनता को ड्रामा चाहिए, जनता को स्पाइस चाहिए, जो करण और निशा की स्टोरी ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बहुत ही ज्यादा दिया, एक्सक्लूसिवली दिया। आपको क्या है कहना, इन दोनों को एक साथ देखने के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं या नहीं, आप बताइए। रेडियो थैंक यू मैम।